हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, आरबीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी आगरा। आज मैं आपको फोर्थ सेम के अंतर्गत सब्जेक्ट सर्वेइंग फर्स्ट का सेकंड चैप्टर कंपास सर्वेइंग के डिटेल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा। कंपास सर्वे का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, अभी तक जो हमने चेन सर्वे में किया, जो पहला इसकी जो सेकंड यूनिट थी, ये इसकी थर्ड यूनिट है। पहली यूनिट इंट्रोडक्शन, सेकंड यूनिट चेन सर्वे और तीसरी यूनिट कंपास सर्वे। इस कंपास सर्वे में, चेन सर्वे में आपने लाइन ए स्टेशन पॉइंट, बी स्टेशन पॉइंट के बीच में आपने चेन लाइन बनाना, नापना, इस पर ऑफसेट ड्रॉ करना, ये सारी चीज़ों के बारे में पता करा था। अब मान लीजिए कोई एरिया है, प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे क्या कहता है, एरिया जो भी फील्ड क्षेत्र है उसमें डिफरेंट चेन लाइन होने के नाते उन सभी चेन लाइनों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। इसलिए हम इसमें दो तरह से, एक होता है ट्रैवर्स बनाते हैं, एक होता है ओपन ट्रैवर्स, माला रेखा जिसे कहते हैं, और दूसरा होता है क्लोज ट्रैवर्स। तो ईस्ट बी स्टेशन पॉइंट से आप नेक्स्ट पॉइंट स्टेशन पॉइंट सी पे आते हैं, फिर आप डी पर आते हैं। यदि आप ए बी सी डी कहें तो ये हो गया आपका ओपन ट्रैवर्स। माला रेखा ए से बी आए, बी से सी आए और सी से डी आते हैं, तो ये ओपन ट्रैवर्स कहलाएगा। और ओपन ट्रैवर्स में हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो एंड होते हैं वो मिलते नहीं हैं, बोथ एंड इज नॉट कनेक्टेड, मिलते नहीं हैं, तो हम इसे ओपन ट्रैवर्स कहते हैं। और ये सभी चेन लाइनें होती हैं और ये स्टेशन पॉइंट्स होते हैं, और ये लास्ट फर्स्ट एंड लास्ट स्टेशन पॉइंट्स इज नॉट कनेक्टेड, जुड़ते नहीं हैं, जैसे कि यहाँ पर। और क्लोज ट्रैवर्स में क्या होता है, फर्स्ट स्टेशन पॉइंट ये ट्रैवर्स आपका बना और लास्ट स्टेशन पॉइंट आपस में जुड़ जाते हैं, ए बी सी डी ई, तो ई ए जो कनेक्ट हो गए तो ये बंद हो गया, इसे कहते हैं बंद माला रेखा और इसे कहते हैं खुली माला रेखा। तो जो ये बंद माला रेखा या खुली माला रेखा जो भी हम बनाते हैं, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखते हैं कि अभी तक जो भी काम हमने किया था फील्ड पे, वो नॉर्थ डायरेक्शन को मान करके किया था। एज्यूम कर लेते थे कि ये एक हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है और उस नॉर्थ डायरेक्शन को हमें पता है, चार दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये एक भुजाओं से निरूपण किया जाता है, भौगोलिक रूप से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जब हम अभी तक ए बी बी से सी मुड़ते हैं तो हम कितना डाइवर्ट हुए, हम करीब करीब ये मान के चलिए
इतने मुड़े। ये जो मुड़ान है हमारा, जितने जिससे हम बी से सी की तरफ मुड़े, डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्ट कहते हैं इसे एंगल। मान लीजिए ये थीटा डिफ्लेक्ट हुए। अब ये जितना डिफ्लेक्ट हुए, अभी तक तो हम नॉर्थ डायरेक्शन से इसको फाइंड आउट करते थे, लेकिन अब हमें क्या करना होगा, एक इंस्ट्रूमेंट आता है कंपास, उस कंपास की सहायता से हम हॉरिजॉन्टल एंगल माप सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो हॉरिजॉन्टल एंगल आपका दिस वन। ये मेजर किया जा सकता है कंपास सर्वे की सहायता से। यदि ये थीटा माना था तो अब ये आपका रह जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलरली डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्ट हुई, मान लीजिए ये अल्फा है, तो ये एंगल आपका 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो ये जो एंगल मेजरमेंट है, और ए एक ट्रावर्स को बांधने के लिए जो अभी तक हम चेन सर्वे में नॉर्थ डायरेक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, वो हम नॉर्थ डायरेक्शन का इस्तेमाल ना करके अब हम कंपास सर्वे की सहायता से उस डायरेक्शन को एक्यूरेटली बहुत शुद्धतापूर्वक माप सकते हैं। यही प्रक्रिया हमें कंपास सर्वे के अंतर्गत करनी पड़ती है। अब जो इसका जो पहला टॉपिक है, दैट इज नोन एज पर्पज ऑफ कंपास सर्वे। पर्पज ऑफ कंपास सर्वे, ये समझ में आ गया होगा आपके, किन्हीं दो चेन लाइन के मध्य कोण का, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज कोण का मापन करना ही कंपास सर्वे के अंतर्गत आता है। दूसरी भाषा में हम कहें तो किसी भी ओपन ट्रैवर्स या क्लोज ट्रैवर्स को बनाते समय जो चेन लाइनों का हम निर्माण करते हैं, उनके मध्य जो कोण मापे जाते हैं, वो कंपास सर्वे की सहायता से मापे जाते हैं। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंपास सर्वे। अब कंपास सर्वे में एक बात पर्पज़ हो गया, दूसरा आपका ट्रावर्स हो गए, तीसरी चीज़ आती है इंस्ट्रूमेंट। तो सर्वे में, हमारे जो कंपास सर्वे में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कंपास यदि हम कहें इंस्ट्रूमेंट में, तो दो कंपास हमारे पास होती हैं। एक होती है सर्वेयर कंपास, CUR, सर्वेयर कंपास, और दूसरा होता है प्रिज्मेटिक कंपास। सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास, इसकी सहायता से, और ये जो कंपास आप शब्द देख रहे होंगे, कंपास अभी तक हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, कंपास क्या होती है कि एक पिवट, पिवट होता है, इस पिवट पर एक मैग्नेट ये पिवट का पॉइंट है, ये मैग्नेट है, तो चुंबक जो होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकती है। इसको हम कंपास कहते हैं। कंपास आपने देखा होगा भौगोलिक स्थिति में पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ में जाकर के जो रुकता है मैग्नेट, खड़ी हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तो वो दिशा बताती है नॉर्थ की और साउथ की। ये चुंबक का एक गुण होता है, क्योंकि पृथ्वी भी हमारी एक चुंबक है, इसके भी अपने भौगोलिक
उत्तरी उत्तरायण और भौगोलिक दक्षिणायन होते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियों में मैग्नेट हमको पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल को इंगित करती है। अब यदि आप और इसी का इस्तेमाल हम सर्वेयर कंपास में और प्रिज्मेटिक कंपास में करते हैं, या यदि हम इसके डिटेल पे जाते हैं सर्वेयर कंपास, तो इसमें एक ब्रास का बॉक्स होता है। मैं एक थोड़ा रफली आपको डायग्राम बनाऊंगा। ये ब्रास का बॉक्स है और ब्रॉक्स में ये एक ग्लास लगा रहता है। ब्रास बॉक्स इसलिए क्योंकि ब्रास मैग्नेटिक नहीं होता, पीतल मैग्नेट नहीं होती। यदि ये स्टील का कर देंगे तो चुंबकीय प्रभाव इस पर आने लगेगा। ये कांच होता है, ग्लास, और इसमें दो साइट होती हैं इस तरह से। एक आई साइड होती है और एक ऑब्जेक्ट साइड होती है। आई साइड से हम जो भी ऑब्जेक्ट होता है, और यहां पर ये ग्रिप और एक ये यहां पर ट्राइपॉड रहता है। इस ट्राइपॉड के ऊपर कंपास को कसा जाता है और यहाँ पर पिवट पर एक निडल, मैग्नेटिक निडल लगी रहती है, और मैग्नेटिक निडल हमें बताती है कि जब हम इसे फ्री कर देते हैं तो ये हमें बताती है, यहाँ पर एक लीवर लगा रहता है और लीवर ये इसको जाकर के इस तरह से निडल को रोक लेता। जब हम पिन लेती है, ये पिन को पुश करते हैं, तो ये लीवर इस निडल, मैग्नेटिक निडल होती है, को रोक लेती है। ये जो प्रिज्मेटिक कंपास है, इसका जो ऊपर का यदि हम देखें तो वो ऐसा होता है गोल, और ये चार क्वाड्रेंट में बना रहता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चार क्वाड्रेंट में रहता है। और इसमें जो रीडिंग होती है वो जीरो से 360 डिग्री नॉर्थ साउथ, और ईस्ट वेस्ट, इस तरह से इसमें रहता है। और ये यहाँ पर ये जीरो, यहाँ साउथ में भी ये जीरो डिग्री पर, और फिर ये बढ़ते हुए क्रम में यहाँ 90 डिग्री, इसी तरह से यहाँ पर ये बढ़ते हुए क्रम में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसी तरीके से यहाँ पर ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। इसी तरह से इधर से ईस्ट की तरफ आ जाइए, 30, 60, 90, 30, 60 और 90, इस तरह से ये इसमें। और जो ग्रेजुएशन होता है इसका, वो डिग्री में होता है। एक डिग्री ये दो भागों में बटी रहती है इस तरह से, अर्थात इसे हम कह सकते हैं 30 मिनट और 30 मिनट, जीरो से वन डिग्री, जीरो से वन डिग्री,
तो 30 मिनट और 30 मिनट, तो इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 30 मिनट होती है, अल्पतमांक 30 मिनट की होती है, और इसमें इस तरह से आप इसको बॉक्स होता है, और यहाँ पर ये निडल रहती है, वो निडल जहाँ भी जा कर के रुकती है वो उसकी रेखा की, मान लीजिए रेखा आपकी ये जा रही है चेन लाइन, और ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल आप इससे माप सकते हैं। ये सर्वेयर कंपास हुआ। और इस सर्वेयर कंपास में यदि अब आप इसका डायग्राम यहाँ देखें तो बुक में और स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये पिवट है नंबर एक, नंबर दो बेयरिंग है जिस पर ये मैग्नेट अंशांकित रिंग, ये तीन चार तरफ बॉक्स के चारों तरफ एक अंशांकित रिंग होती है। ये काउंटर वेट लगा हुआ है क्योंकि मैग्नेट का एक टेंडेंसी होती है कि मैग्नेट अपने आप थोड़ी झुक जाती है, उस झुकने को रोकने के लिए हम काउंटर वेट लगा देते हैं जिससे ये मैग्नेट सीधी बनी रहे। और ये नंबर आपका पाँच हो गया मैग्नेटिक निडल। ये बॉक्स है, इस पर कांच लगा हुआ है, और इस तरह से इसकी नॉर्थ साउथ ये अभिलक्ष, मतलब वही जैसा मैंने यहाँ बताया था, और नॉर्थ साउथ पे ये रुकती है तो ये एंगल आप मेज़र कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सर्वेयर कंपास को पढ़ना। अब आ जाइए इसका दूसरा पार्ट जो है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में दूसरा जो इसका पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं प्रिज्मेटिक कंपास, प्रिज्मेटिक कंपास में वही एक ब्रास का बॉक्स होता है, ग्लास होता है, ट्राइपॉड होता है, और पिवट, और पिवट पे जो इसकी निडल होती है, कंपास सर्वेयर कंपास में निडल सीधी थी और इसमें जो निडल होती है वो गोल इस तरह से निडल होती है। कब सर्वेयर कंपास में बॉक्स में रीडिंग लिखी हुई थी और प्रिज्मेटिक कंपास में निडल पर ही, ये निडल, ये पूरी की पूरी मैग्नेटिक निडल है और इसमें 0 से 90, 180 बढ़ते हुए क्रम में 270 और फिर ये बढ़ते हुए क्रम में 360 डिग्री, इस तरह से अंशांकित एक निडल होती है जिसमें इन्वर्टेड उल्टे ग्रेजुएशन लिखे रहते हैं। और इसमें एक यहाँ पर प्रिज्म लगा रहता है, इसमें भी आई साइड और ऑब्जेक्ट साइड होते हैं, और अब जहाँ पर ये आई साइड होता है वो जो ये निडल होती है के ऊपर जो इन्वर्टेड उल्टे जो लिखे रहते हैं, जो इसके अंशांकन है वो उल्टे लिखे रहते हैं, तो जो प्रिज्म की सहायता से
आई साइड पर जब किरण आती है तो ये हमें प्रिज्म की सहायता से सीधे दिखाई देने लगते हैं, ये प्रिज्म है। और इसमें जो निडल है वो इस रूप में होती है पूरे की पूरी, जिसकी वजह से इसे प्रिज्मेटिक कंपास कहा गया। इसमें जो रीडिंग होती है वो होल सर्किल बियरिंग में नापी जाती है, जिसे हम लोग WCB कहते हैं, और सर्वेयर कंपास में रिड्यूस्ड बियरिंग होती है, जिसे हम लोग RB और QB भी कहते हैं, क्वाड्रेंट्रल। क्वाड्रेंट्रल बियरिंग, बियरिंग का, बियरिंग का मतलब एंगल होता है। जब हम किसी मैग्नेट से, ये मैग्नेट है और इससे हम किसी लाइन को मेज़र करते हैं तो ये एंगल ना हो करके फिर ये बियरिंग कहने लगता है। अर्थात सर्वेयर कंपास के अंतर्गत जब भी किसी एंगल का तात्पर्य होगा तो वो उसे बियरिंग से संबोधित किया जाएगा। तो इसकी जो रीडिंग है वो होल रिड्यूस बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग के रूप में होती है। क्वाड्रेंटल मतलब चार क्वाड्रेंट होते हैं, उसके अनुसार इसकी क्वाड्रेंटल बियरिंग होती है। और प्रिज्मेटिक कंपास में होल सर्किल बियरिंग होती है, अर्थात 0 से 360 डिग्री तक कोई भी एंगल हो सकता है। इसके अंतर्गत 0 से 90 डिग्री, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से 90 डिग्री वेस्ट, साउथ से 0 डिग्री, 90 डिग्री ईस्ट, और साउथ से 0 डिग्री, 90 डिग्री वेस्ट। ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर अभी आपको ये बताया। अब यदि हम इसका सर्वेयर कंपास का कंप्लीट डायग्राम देखें तो इस तरह से है। पहला अंशांकित रिंग, ये अंशांकित रिंग है, इन्वर्टेड इसमें लिखे रहते हैं, उल्टे लिखे रहते हैं, जिससे कि प्रिज्म की सहायता से, ये मैंने आपको बताया, प्रिज्म की सहायता से रे यहाँ आती है और इधर आकर के फिर ये डाइवर्ट होकर के हमारी आँख पर आती है। ये सनग्लास रहते हैं, धूप वगैरह रहती है तो उसके लिए हम इसे गिरा लेते हैं। जब आप लोग कॉलेज आएंगे तो इस इंस्ट्रूमेंट को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। प्रैक्टिकल करने में, बताने में और प्रैक्टिकल करवाने में यही एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, यहाँ पर नहीं समझा सकता। जब तक आप लोग, मैं इंस्ट्रूमेंट भी रख लूँगा तब भी आप लोगों को वो समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उसे स्वयं करके नहीं देखें। तो प्रैक्टिकल वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है, सर्वेयर एक प्रैक्टिकल पार्ट है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बस आप लोग केवल अभी समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ये टोटल इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्जेक्ट साइड, आई साइड जिसमें प्रिज्म लगा हुआ है, और ये पिवट है, पिवट के ऊपर ये निडल है जिस पर लिखी हुई उल्टे अंकों में प्रिज्म की टोपी है। यहाँ पर ये नहीं टोपी, इसे आप खोलेंगे तभी नीचे की तरफ देख पाएंगे। प्रिज्म स्प्रिंग ब्रेक है, ये स्प्रिंग ब्रेक है, ब्रेक पिन भी कहते हैं इसको। जब उठाएंगे तो ये इस पर लीवर की सहायता से इसको पकड़ लेगा तो ये हिलना बंद हो जाएगा मैग्नेट। तो ये सारे इसके पार्ट हैं। ये ऑब्जेक्ट वैन मिरर लगा रहता है, यदि कोई चीज़ नीचे या ऊपर है तो उसको भी हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम सीधा हॉरिजॉन्टल देखते हैं लेकिन कोई चीज़ ऊपर या नीचे है तब भी हम इसको देख सकते हैं। ये प्रिज्मेटिक कंपास है। यदि हम अभी आप कहें कि सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास क्या होती है,
तो इसको आप लोग आज बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के जो ये टॉपिक था, इस टॉपिक में मैंने चार चीज़ें आपको कवर की। पहला इसका जो पार्ट है वो हो गया आपका ओपन ट्रैवर्स क्लोज ट्रैवर्स, दूसरा पार्ट हो गया पर्पज़ ऑफ कंपास सर्वे, तीसरा पार्ट हो जाता है कंपास कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक सर्वेयर कंपास और एक प्रिज्मेटिक कंपास। सर्वेयर कंपास में कौन कौन से मुख्य पार्ट होते हैं, किस तरह से उसको लेते हैं, चार इसके क्वाड्रेंट होते हैं, जो निडल में वो इस तरह से निडल में क्वाड्रेंट बने रहते हैं, 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, और इसकी जो बियरिंग है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग या रिड्यूस बियरिंग में नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से वेस्ट, साउथ से ईस्ट, साउथ से वेस्ट पढ़ी जा सकती है। ये सर्वेयर कंपास का डिटेल इंफॉर्मेशन है। और इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है इसका, वो आता है आपका प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास में निडल पे ही रीडिंग लिखी रहती है और उल्टी लिखी रहती है, प्रिज्म की सहायता से उसको हम आँख पर पढ़ते हैं। और ये क्या कहते हैं, इसमें ग्लास ऑब्जेक्ट साइड से जो स्टेशन पॉइंट्स हैं, जो रेंजिंग रॉड गड़ी रहती है, उनको देख सकते हैं। ये इसकी इन्वर्टेड लिखी हुई निडल है पूरी की पूरी, जबकि सर्वेयर कंपास में पतली निडल होती है। इसमें पूरे में 0 से 360 डिग्री तक हम पढ़ सकते हैं। इसको इसलिए हम कहते हैं होल सर्किल बियरिंग WCB, और 0 से 360 डिग्री तक हम प्रिज्मेटिक कंपास में पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट का कंपैरिजन है हो गया। और तो आज आप लोग यहीं तक रखिए, इसको तैयार करिए, इनके चित्र बनाइए, इनका कंपैरिजन लिखिए और समझिए इसको। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जब अगला उठाएंगे तो हम आगे इसके आगे आगे के सिलेबस में बताएंगे कि इसमें कौन कौन से डेफिनेशन जुड़ी होती है। थैंक यू।